रूपा फ्रंटलाइन भारत की एक अग्रणी होजेरी कंपनी है। इस कंपनी के सीईओ एक दिन के प्रवास पर आज इंदिरा मार्केट स्थित बरमेचा टेक्सटाइल्स पहुंचे, उसके संचालक से मुलाकात की। बरमेचा टेक्सटाइल्स रूपा फ्रंटलाइन के डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं और छत्तीसगढ़ में अग्रणी रूप से कार्य कर रहे हैं। सीईओ ने छत्तीसगढ़ के प्रथम प्रवास में छत्तीसगढ़ में व्यापारिक दृष्टिकोण से काफी अच्छे अवसर होना बताया। रूपा फ्रंटलाइन के सीईओ ने मीडिया से बात करते हुए अपनी बात कुछ इस तरह से रखी। दुर्ग आने का क्या खास कारण है? दुर्ग आने का हमारा सबसे बड़ा कारण था बरमेचा टेक्सटाइल जो है उनके साथ हमारी पार्टनरशिप जो हमने स्टार्ट की थी, बहुत ही 3-4 महीने से स्टार्ट हुई है, लेकिन आज के दिन हम देख रहे हैं ये सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ डिस्ट्रीब्यूटर हमारे लिए हैं और आने वाले दिनों में हम उम्मीद करते हैं कि ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर हमारे होंगे। ये इनके रिटेल बेस ऑलरेडी बहुत बड़ी रिटेल बेस है और हम चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट हर रिटेलर के पास पाया जाए जो कि हर कंज्यूमर को मिल सके। सर, एक रूपा फ्रंटलाइन का तो एक इंटरनेशनल कंपनी है, काफ़ी बड़ा नाम है पूरे इंडिया में इसका, आप अपने बारे में बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा है, कहाँ तक आप एज ए सीईओ आप कैसे यहाँ तक पहुँचे? मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैं बहुत छोटी जगह से आता हूँ वैसे तो, बंगाल से, और मैं वेरियस कंपनी में काम किया हूँ। जी हेल्थ केयर जो कि वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट मल्टीनेशनल है, मैं वहाँ का हेड था जो 3,000 करोड़ देखता था वहाँ पर, और उसके बाद मैंने इंडिया में दो कंपनी डेवलप किए खुद, हेल्दियम मेडटेक जो कि प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट था जिसको रिसेंटली हम लोगों ने बेचा था 2,500 करोड़ में, तो उसका भी मैं सीईओ था। और उसके बाद अब मेरे को रूपा में काम करके बहुत मज़ा आ रहा है। ये एक जो आपने बताया कि इज़ ए मल्टीनेशनल, हम 30-32 कंट्री में काम करते हैं इंडिया को छोड़ के भी, और ये कंपनी बहुत ही हाई ग्रोथ ट्रेजरी में है। एज ए प्रोडक्ट ऑल्सो इनरवियर जो है 10-12% ग्रोथ करता है और हम चाहते हैं कि हम इंडस्ट्री का डबल ग्रोथ करें, तो क्लियरली ये बहुत ही एक्साइटिंग टाइम है हम लोग के लिए, मेरे लिए और कंपनी के लिए और इंडस्ट्री के लिए। अदर स्टेट से छत्तीसगढ़ में आपको क्या स्पेस दिखाई देता है कि आगे बिजनेस के? आई थिंक छत्तीसगढ़ अभी भी बहुत अर्ली स्टेज में ग्रोथ में है, मैं उम्मीद करता हूँ कि छत्तीसगढ़ आने वाले दिनों में इंडिया में एक लीडिंग ग्रोथ ट्रेजेक्टरी रहेगा स्टेट वाइज, अपॉर्चुनिटी जैसे दिखती है। सर,